क्लास 9 साइंस की बुक का जो चैप्टर 1 है उसके क्वेश्चन आंसर्स मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के। तो पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके चैप्टर के बीच के होते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है चेयर एयर लव स्मेल, इनमें से कौन सा मैटर है और कौन सा नहीं है ये बताना है। तो चेयर मैटर है क्योंकि हमें दिख रहा है ना कि एक चीज़ दिख रही है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो एक मैटर है। हवा भी एक मैटर है, स्मेल आमंड्स कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम आर मैटर, मतलब जिस चीज़ को हम लोग टच कर सकते हैं, हमारे सेंसेस के थ्रू हम फील कर सकते हैं, जिस चीज़ में बेसिकली सेल्स होते हैं वो मैटर होती है। तो ये जो लव हो गया और हेट हो गया है ना, थॉट हो गई और कोल्ड हो गया, ये सब जो है मैटर नहीं होते हैं, जिस चीज़ को हम लोग अपने सेंसेस के थ्रू फील कर पाते हैं वो मैटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें रीज़न देना है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचिंग यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, मतलब आप जो है सेंस आपका जो आप ना जो गर्म खाना है वो काफ़ी दूर से भी आपको उसकी खुशबू आ जाती है, मगर जो ठंडा खाना होता है उसको अगर आपको सूंघना है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसका आंसर है सिंस हॉट सिजलिंग फूड हैज़ टेम्परेचर हायर देन कोल्ड फूड एंड एट हायर टेम्परेचर डिफ्यूजन रेट ऑफ पार्टिकल्स इज़ वेरी फास्ट। तो देखिए जितना सिंपल सा इसका आंसर ये है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, और जितना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा उतनी ही दूर तक चीज़ की स्मेल पहुँच पाएगी। तो ड्यू टू दिस स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अस फ्रॉम सेवरल मीटर्स अवे, तो फास्ट डिफ्यूजन होता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मतलब जब कोई चीज़ गर्म होती है ना तो स्मेल दूर तक पहुँचती है, तब डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोगों को जो हॉट फूड होता है उसकी जो स्मेल है वो काफ़ी दूर तक आराम से हम लोग पहचान पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दस दिस ऑब्जर्वेशन शोज, तो एक जो डाइवर है, डाइवर मतलब जो डाइव करते हैं ना, जो स्विमर्स होते हैं वो डाइव करते हैं पानी में, वो आराम से पानी को काटते हुए तैरते हुए निकल जाते हैं, तो प्रॉपर्टी मतलब मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस चीज़ में हेल्प कर रही होती है? तो देखिए इसका आंसर है इफ़ डाइवर हैज़ एबिलिटी टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल देन इट शोज़ दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ काइंड ऑफ फोर्स वर्किंग बिटवीन देम, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द पार्टिकल ऑफ मैटर रिमेन टुगेदर टिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो देखिए क्या है, टफ सी लैंग्वेज है, ईजी करके समझाते हैं। क्या होता है ना, तीन टाइप ऑफ मैटर होती है मेनली हमारी, सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है और एक गैस होती है। तो जो सॉलिड होते हैं ना इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लिक्विड में आप इसका सिंपल सा आंसर ये लिख सकते हैं लिक्विड हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं ना लिक्विड में उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इसकी वजह से डाइवर ईजिली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना मैटर के वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होता है, इसलिए उनके बीच में क्योंकि स्पेस होता है तो कोई और चीज़ उसके बीच में से निकल सकती है, इसलिए डाइवर जो है क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो डाइवर जो स्विमिंग पूल में कूद रहा है आराम से उस पानी को काट सकता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो पार्टिकल्स रिमेन टुगेदर टिल सम एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड, आपस में वो साथ साथ रहेंगे, अगर कोई बाहर से कोई फोर्स अप्लाई हो गई तो वो दूर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनली सिंपल सा इसका आंसर ये हो जाएगा कि जो पार्टिकल्स है ना वो काफ़ी दूर है, उनके बीच में स्पेस है, इसलिए डाइवर उसमें कूद सकता है। करेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ मैटर जो आपके हेडिंग्स दिए हुए ना आपके एनसीईआरटी में, वही करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। अभी अभी हमने देखा कि सॉलिड में सबसे कम होता है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, लिक्विड में उससे ज़्यादा, गैसेस में सबसे ज़्यादा, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई या फिर करेक्टरिस्टिक हो गई। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन, पार्टिकल्स जो होते हैं ना मैटर के वो हमेशा मोशन में होते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है और वो हमेशा मोशन में होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है उनके बीच में, जिसकी वजह से वो लोग साथ में रह पाते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम जिसकी वजह से वो दैट कीप देम टुगेदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज डेंसिटी, ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अरेंज करना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा भारी जो चीज़ होगी ना उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी, तो हवा तो सबसे हल्की होती है, फिर उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से जो धुआं निकल रहा होता है वो हवा से भारी होता है, क्यों आप देख रहे हैं ना, वो हवा से ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन बहुत सारी चीज़ों के सूट होता है, डस्ट के पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें होते हैं, तो वो हवा से भारी हो जाता है, उससे भारी जो एग्जॉस्ट चिमनी से जो निकल रहा होता है उससे भारी कॉटन होता है, उससे भारी पानी होता है, पानी से भारी शहद होता है, शहद से भारी चौक, और चौक से भारी आयरन, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पर किसकी होती है, आयरन की, फिर उसके बाद चौक की, फिर उसके बाद हनी, यहाँ पे हनी लिखा हुआ है, शहद, फिर वाटर, फिर सबसे कम एयर, है ना, तो ये सीक्वेंस फॉलो होता है। नेक्स्ट हमें डिफरेंस बताना है स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में हम लोगों को डिफरेंस बताना है, तो पूरे चैप्टर में यही है। देखिए अब देखिए, सॉलिड पार्टिकल्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, तो रिजिड होते हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा कैड़े कैड़े से होते हैं, पास पास होते हैं, और उनको कंप्रेस करना, दबाना जो सॉलिड के पार्टिकल्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स रिजिड नहीं होते हैं और ईजिली कंप्रेस हो सकते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजिली कंप्रेस हो सकते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी पे ये रिजिड नहीं होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, है ना, और कंप्रेसिबल भी नहीं होते हैं, सॉरी रिजिड होते हैं और कंप्रेसिबल नहीं होते, ये रिजिड नहीं होते हैं और कंप्रेसिबल होते हैं, और ये तो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते और बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। रिजिड का मतलब कैड़ा, कंप्रेसिबल का मतलब होता है इन पे दबाव बनाया जा सकता है आसानी से, आप टेबल को दबा के देखिए आप नहीं दबा पाएंगे, आप लोग किसी पानी पे एक हाथ रखेंगे वो नीचे इधर उधर हो जाएगा, और गैस को तो कोई गैस होगी जैसे कि धुआं निकल रहा होगा आप उसे अपने हाथ से ही हटाएंगे तो वो, है ना, इधर उधर हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस की होती है, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है आप उसको प्रेस करके ही तो क्या करते हैं, दबा के रखते हैं ना सिलेंडर में, तो बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होती है गैस, लिक्विड उससे कम कंप्रेसिबल होता है, सबसे कम कंप्रेसिबल होता है सॉलिड, और सॉलिड सबसे ज़्यादा रिजिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंस का, दे पोजेस अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, एक डेफिनेट शेप होती है उनकी, वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है, तो और ठीक है सॉलिड्स की, और लिक्विड्स जो होते हैं उनकी सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बट जो शेप है वो कंटेनर की ले लेते हैं, आप पानी को बॉटल में रखेंगे तो बॉटल की शेप का हो जाएगा, आप मग्घे में रखेंगे तो मग की शेप का हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे, जिस भी शेप में रखेंगे लिक्विड वही शेप ले लेता है, और गैस की तो कोई डेफिनेट शेप या फिर वॉल्यूम होती ही नहीं है, ठीक है, मगर लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, गैस की ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती ना ही शेप होती, लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट डेफिनेट शेप नहीं होती, दे शेप द टेक ऑफ कंटेनर जिसमें उसे रखा जाएगा, और सॉलिड की तो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम दोनों ही होती हैं। नेक्स्ट है दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू फ्लो, मतलब बह नहीं पाते हैं, है ना, इनके पास तो काफ़ी हाई एबिलिटी होती है तो आराम से बहते हैं, पानी बहता है, दे कैन फ्लो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, बट ये जो है हायर टू लोअर लेवल में फ्लो कर पाता है लिक्विड, और गैस तो भाई कहीं को भी फ्लो कर जाता है, एग्जांपल जो सॉलिड का है वो है सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, चौक हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, और लिक्विड का एग्जाम्पल वाटर, एल्कोहल, डीजल, पेट्रोल वगैरह, और गैस का तो हवा, एयर, सीएनजी, स्मोक वगैरह, है ना। अब नेक्स्ट आता है, देखिए कमेंट अपन द फॉलोइंग, हमें इन पर कमेंट करना है, तो रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू मेंटेन इट्स शेप इवन इफ एक्सटर्नल फोर्स वर्क एंड द सॉलिड शोज दिस प्रॉपर्टी। रिजिडिटी हम लोगों ने देखा था कि मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि अपनी शेप बना के रखेंगे, हम अपनी शेप नहीं छोड़ेंगे, जैसी हमारी शेप है हम वही बना के रखेंगे, यही होती है रिजिडिटी, और ये सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी, दबाव बनाना, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टी होती है टू अलाउ टू डिक्रीज इन वॉल्यूम अंडर हाई प्रेशर एंड द गैसेस शो दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी की उनकी वॉल्यूम आप कम ज़्यादा कर सकते हो तो वो कंप्रेसिबिलिटी हो गई। फ्लूडिटी क्या होती है कि वो कितना बह सकता है, ठीक है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू इजीली फ्लो एंड अलाउ चेंज इन इट्स शेप अंडर एक्सटर्नल फोर्सेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज एग्जिबिटेड बाय बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस। तो देखिए लिक्विड और गैसेस इस प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, सॉलिड फ्लूडिटी को नहीं दिखाता है, और ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की बहने की, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिलिंग अ गैस कंटेनर, गैस के कंटेनर को कैसे फिल किया जा सकता है, कंप्रेस करके। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, हैंस दे कैन बी फिल्ड विद इन अ वेसल एट हाई प्रेशर। आप बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे किसी भी गैस को ईजिली कंप्रेस करके रख सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैस अलाउज देयर
कन्वीनियंट फिलिंग इन टू अ स्मॉल कंटेनर। तो ये जो प्रॉपर्टी है गैस की, वो उसकी वजह से आराम से जो है गैस किसी भी कंटेनर में आप फिल करके रख सकते हैं, एंड देट ऑल्सो इन अ लार्ज वॉल्यूम, बहुत ही लार्ज वॉल्यूम का आप काफ़ी कम जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं। इट ऑल्सो अलाउज ईजी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया सीएनजी का। ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटीज में जिस तरीके से डेफिनेशंस दी हुई है ना, बिल्कुल वही सब लिखा हुआ है। शेप है, अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ मैटर शेप डिफर्स डिपेंडिंग अपन लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर का टाइप होता है ना, उसमें शेप ना वेरी कर जाती है काफ़ी ज़्यादा लोकेशन के हिसाब से। लाइक सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड की कंटेनर अक्वायर कर लेता है, और गैसेस की तो कोई शेप ही नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज अंडर मोशन एज द पार्टिकल्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, देयरफॉर मैटर हैज़ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ मोशन है, आप कितना मूव कर रहे हैं वही काइनेटिक एनर्जी होती है। पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट में ही प्रेजेंट होती है अंडर मोशन, जो मतलब मोशन में होते हैं ना, जो चल रहे होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स, उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। ग्रेटर द मूवमेंट, जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। तो जितनी कम मूवमेंट होगी उतनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट तो गैसेस में होती है, तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस की होती है, उससे कम लिक्विड की, और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स की होती है। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, हम लोगों ने ना देखा था डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। अब आता है गिव रीजंस, रीजंस बताने हैं। अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। तो गैस पूरी तरीके से फिल कर देती है उस वेसल को जिसमें उसे रखा जाता है। तो देखिए, सिंस द अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना पार्टिकल्स के बीच का, गैस के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, एक दूसरे से भाग रहे होते हैं, एक्सट्रीमली लेस, हेंस पार्टिकल्स फ्रीली मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। एज अ रिजल्ट गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। तो उस जिस भी कंटेनर में गैस को रखा जाता है ना, वो पूरी तरीके से उसको भर देता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो वो एक दूसरे से दूर 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 भाग रहे होते हैं और वो पूरे के पूरे कंटेनर को फिल कर देते हैं। नेक्स्ट है, अ गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब भी देखिए, अब गैस जो है जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है उसकी वॉल्स पे वो प्रेशर डालता है। तो इसका आंसर है, फ्रीली मूविंग पार्टिकल ऑफ गैस हिट द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। जो फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, आराम से मूव कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, वॉल्स के जो कंटेनर होते हैं ना, मतलब सॉरी, कंटेनर की जो वॉल होती है ना, उसको हिट कर देते हैं, कंटिन्यूसली हिट करते रहते हैं और रैंडमली हिट करते हैं। देयरफॉर सच रैंडम एंड इरेटिक मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, क्योंकि सिंपल सी बात है कि वो इधर उधर है तो वॉल्स पे जाकर के टकराते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, इधर उधर घूम रहे होते हैं और वॉल्स से टकराते हैं, तो वो वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक वुडन टेबल को सॉलिड बोला जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी फिक्स पोजीशन होती है, वो रिजिड होती है, वो डेफिनेट शेप होती है और उसकी वॉल्यूम होती है। इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसको सॉलिड कहा जाना चाहिए। आपसे कोई भी पूछा जाए कि कोई भी चीज़ सॉलिड क्यों है, क्योंकि वो रिजिड है, क्योंकि उसकी फिक्स्ड शेप है और उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम है। अगर ये सारी की ये तीनों प्रॉपर्टी उसमें है, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम और रिजिड, तो वो क्या हो जाएगी, वो चीज़ सॉलिड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी ईजिली मूव आर हैंड इन एयर, क्या हम हवा में अपना हाथ आसानी से हिला सकते हैं? बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड कराटे एक्सपर्ट। भाई ऐसा क्यों, हम लोग हवा में तो हम हवा में आराम से अपना जो हाथ हिला सकते हैं, बट सॉलिड में के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए? क्योंकि एयर, देखिए आंसर है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड सिंस पार्टिकल्स ऑफ गैस आर अपार्ट, सो द सेम इज़ ट्रू फॉर द एयर, देयरफॉर वी कैन ईजिली मूव आर हैंड। क्योंकि पार्टिकल्स के गैस जो होती है ना, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, इसलिए हम आराम से अपना हाथ उसमें हिला सकते हैं। बट जो सॉलिड होता है, सॉलिड ब्लॉक हार्ड होता है, रिजिड होता है, वो रेजिस्ट करता है अपनी लोकेशन को चेंज होने से। इसकी वजह से जो कराटे एक्सपर्ट हैं वो सॉलिड ब्लॉक में अपना हाथ मतलब तोड़ सकते हैं उसको, बट हम लोग नॉर्मली उसको नहीं तोड़ पाते, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, वो रिजिड होते हैं, उनके फिक्स वॉल्यूम होती है, ठीक है, और फिक्स्ड शेप होती है। तो ये सब आप जब भी सॉलिड की बात आए तो रिजिड, फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप ये लिख दीजिए, लिक्विड की बात आए तो कंप्रेसिबल है, पार्टिकल्स दूर हैं, इसी से सारे के सारे आंसर्स, सब क्वेश्चंस में ये लिखना है। नेक्स्ट है, लिक्विड्स
लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंप्रेस टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ओवर ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. ठीक है, लिक्विड जो है उनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, सॉलिड से, बट आइस जो है वो पानी पे तैरती क्यों है? तो देखिए, व्हेन वाटर फ्रीजेस टू एयर, सॉरी, व्हेन वाटर फ्रीजेस टू आइस, सम एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड. एज अ रिजल्ट वॉल्यूम इंक्रीजेस फॉर द सेम मास ऑफ वाटर. इन अदर वर्ड्स, मास पर यूनिट वॉल्यूम और द डेंसिटी ऑफ एयर इज लोअर देन द वाटर एंड हेंस आइस फ्लोस ओवर द वाटर. तो अगर कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर तैर रही है ना, तो जो चीज़ तैर रही है उसकी डेंसिटी क्या है? डेंसिटी कम होती है तभी कोई चीज़ तैर सकती है. ठीक है, आइस की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है, क्योंकि आइस जब बन रही होती है ना, तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस रह जाता है. उस पार्टिकल के स्पेसिंग की वजह से उनकी आइस की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो पानी पे फ्लोट कर पाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है. हम लोगों को केल्विन जो है ना, उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है. तो देखिए, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है. केल्विन इज इक्वल्स टू 273 डिग्री प्लस सेल्सियस. तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल सा है. देखिए यार, 300 केल्विन है, ठीक है, आपको इसको सेल्सियस में चेंज करना है. फॉर्मूला है ये कि केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस सेल्सियस. आपको केल्विन की जगह क्या रखना है? आपको पता है केल्विन की जगह आपको 300 रखना है. आपको सेल्सियस में निकालना है, तो 300 इज इक्वल्स टू 273 प्लस केल्विन, डिग्री सेल्सियस. अब इधर जो प्लस में है, इक्वल टू से दूसरी तरफ माइनस, तो 300 माइनस 273 जब आप करेंगे तो आंसर 27 आ जाता है. ये फॉर्मूला लगाना है, आपको केल्विन दिया हुआ है, केल्विन की जगह वैल्यू पुट करनी है बस. तो केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस सी, 573 केल्विन है, माइनस 273. क्यों? क्योंकि जो प्लस में होता है इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके माइनस, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हमें अकेला छोड़ना होता है. तो आप जब 573 को 273 से माइनस करेंगे तो सिंपल सा आपका 300 आंसर आ जाएगा. तो 300 डिग्री सेल्सियस आंसर हो गया. अब व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस? 250 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर क्या होगा? स्टीम में होगा. क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है? बॉईल होना शुरू कर जाता है. तो 250 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए पानी जो है वो गैस की स्टेट में पहुंच जाएगा. 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है. तो वाटर एग्जिस्ट करता है, 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर होता है कि पानी लिक्विड स्टेट में भी होता है और वेपर या फिर गैशियस स्टेट में भी होता है. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जो कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, ये दोनों की दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड एज वेल एज गैस. नेक्स्ट है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए जब वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, इस तरीके से जा रहा होता है, तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट क्यों रहता है? लेटेंट हीट है इसका आंसर, सिंपल आंसर. ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द हीट और एनर्जी प्रोवाइडेड टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो वो जो हीट होती है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना पार्टिकल्स के बीच में, सॉरी इसका आंसर लेटेंट हीट नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना पार्टिकल्स के बीच में, उसको तोड़ने के काम आएगा. ठीक है, तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द हीट और एनर्जी प्रोवाइडेड टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स. एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस और मैटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. तो जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, जब वो लिक्विड से सपोज करिए गैशियस स्टेट में जा रहा है, तो टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है ना, जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बॉन्ड्स को क्या करने के, बॉन्ड्स ब्रेक करने के काम में वो आ रही होती है. यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स. एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस और मैटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस. एटमॉस्फेरिक गैस को हम लोगों को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम लोगों को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा और प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा. तो हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, अगर हम लोगों को गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो. ठीक है, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा. पेज नंबर 10 पे है क्वेश्चंस. व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर, डेजर्ट कूलर मतलब नॉर्मल कूलर जो होते हैं, वो
बेटर होते हैं जब बहुत ही ज़्यादा गर्म और सूखा सूखा सा दिन होता है, मतलब हवा में नमी नहीं होती है, तब डेजर्ट कूलर क्यों अच्छे से काम करते हैं। तो देखिए, अ हॉट ड्राई डे मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ हाई एंड द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी लो। ह्यूमिडिटी होता है हवा की नमी, टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी लो है, बोथ दीज फैक्टर इंक्रीजेज द रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड दस एनॉर्मस कूलिंग इज प्रोड्यूस। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, हमारी जो बॉडी होती है उसमें से रेट ऑफ वेपोराइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज हो जाता है तो कूलिंग होती है। जब भी हम जितनी ज़्यादा जल्दी भाप बन के उड़ेगा उतना ही ज़्यादा ठंडक होगी। तो जब ह्यूमिडिटी कम होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन, भाप भर के उड़ने जो है वो रेट पड़ जाता है, इसलिए हमें ठंडक आसानी से मिलती है। बहुत बड़ी हो गई वीडियो। अब हम जो एक्सरसाइज है ना वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें हम सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अ अर्दन पॉट, मटके में जो पानी रखा जाता है वो गर्मियों में ठंडा क्यों रहता है। तो देखिए, ड्यूरिंग समर्स द वाटर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्दन पॉट इवेपोरेट्स विच कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट। बिसाइड्स, अर्दन पॉट बियर्स पोर्स ऑन इट, हैज इवेपोरेशन अकर्स कंटिन्यूसली एंड सो लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड। तो देखिए क्या होता है, समर्स के टाइम में जब वाटर जो कि प्रेजेंट होता है ना सरफेस ऑफ अर्दन पॉट, मतलब अर्दन पॉट मिट्टी के घड़े के सरफेस पे जो पानी प्रेजेंट होता है वो इवेपोरेट होता है, और जब भी कोई चीज़ किसी सरफेस से इवेपोरेट होती है ना तो वो सरफेस को ठंडा कर देती है, तो वो कूलिंग इफेक्ट देती है। बिसाइड्स, अर्दन पॉट में छोटे छोटे से ना पोर्स भी होते हैं, और हैंस इवेपोरेशन अकर्स, तो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं तो इवेपोरेशन लगातार होता रहता है और कूलिंग काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है, व्हाई डज आर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। हमें ठंडक क्यों लगती है, इवेपोरेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा क्विकली। सम लिक्विड्स गेट क्विकली वेपराइज्ड एंड दे आर कॉल्ड वोलेटाइल लिक्विड्स। तो जो लिक्विड्स बहुत ही जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लिक्विड बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरीके के लिक्विड को हम लोग वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। एसीटोन हो गया, पेट्रोल हो गया, परफ्यूम हो गया, ये सारे के सारे वोलेटाइल लिक्विड हैं। देयरफॉर दे गेट हीट फ्रॉम आवर पाम, हमारी हथेली से वो हीट लेते हैं और हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके देते हैं। तो वो लिक्विड जो है ना, जैसे कि एसीटोन हो गया, परफ्यूम, अल्कोहल, ये सब ना बहुत जल्दी वेपराइज हो जाते हैं और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। हम लोग सॉसर से बहुत जल्दी, सॉसर मतलब एक थोड़ा बड़ा बर्तन से हम लोग गर्म दूध या टी पी पाते हैं बजाय के एक कप से। बिकॉज देखिए, सॉसर हैज़ अ बिगर सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू कप। सॉसर मतलब बड़ा सा सरफेस एरिया होता है कप के कंपैरिजन में। तो इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, और जितना ज़्यादा सरफेस, जितना बड़ा सरफेस होगा इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, जितना बड़ा सरफेस उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। तो सिंस इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, बाय यूजिंग सॉसर इंस्टेड ऑफ कप वी आर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं इवेपोरेशन के लिए, और इसकी वजह से फास्टर इवेपोरेशन होगा, पार्टिकल्स ऑफ टी मैट या मिल्क जो है और वो जल्दी ठंडे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोज शुड बी वियर इन समर, समर में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो देखिए, कॉटन के कपड़े, हल्के लाइट कलर के कपड़े हमें पहनने चाहिए। कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर, हेंस इट एब्जॉर्ब स्वेट quite well and pores in the fabric expose that sweat to easy evaporation. Hence we should prefer wearing cotton clothes in summer. तो cotton clothes जो है वो अच्छे absorbent होते हैं, अच्छे से absorb कर लेते हैं पानी को, तो hence it absorb sweat, और वो sweat को भी अच्छे से absorb कर लेते हैं, तो pores जो होते हैं ना काफ़ी छोट बारीक बारीक से ना छेद टाइप के होते हैं कॉटन के कपड़े में, हमें दिखते तो नहीं है बट होते हैं उसमें, तो उसकी वजह से जो स्वेट आता है ना वो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, तो हम लोगों को उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट मिलता है, इसलिए हमें समर्स में कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए। और अब ये इंटेक्स क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा